हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम बनाने वाले हैं गाय के दूध से बंगाली रसगुल्ले। बची हुई चाशनी से बनाएंगे, बहुत बेहतरीन बनके तैयार होती है इस तरीके से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। होली आ गया है, हमें तरह तरह की मिठाइयाँ हम 5 तरीके की आपको बताएंगे बनाने के लिए। ये जो मलाई सैंडविच, आप इसे 20 से काट के और इसमें मलाइयाँ लगा लेंगे, ये आपका मलाई सैंडविच हो जाएगा। ये जो चमचम ऐसे भी रख सकते हैं, इसमें मलाई चमचम बनाना है तो 20 से इसमें ऐसे काट के और इसमें मलाइयाँ आप भर देंगे तो ये मलाई चमचम तैयार हो जाएगा। ये जो रहे रसगुल्ले, बहुत ही स्पंजी बने हैं, आपको हम दिखा सकते हैं, देखिए। और ये जो है अंगूरी रसगुल्ले, छोटे साइज़ वाले मिनी रसगुल्ले जो बोले जाते हैं। और ये जो रहा आपका रसमलाई, आप जो है दूध गाढ़ा करके तैयार करके घर पे रसमलाई बना सकते हैं आसानी से। हमने ये 5 तरीके आपको बताया है, चलिए बनाना शुरू कर। दूध को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, चूल्हे को ऑन कर देना है, दूध को गर्म होने देना है। छेना तैयार करने के लिए हमने विनेगर ले लिया है, ये सफ़ेद तीर का जो विनेगर। और हमें क्या करना है, इसको हमें ले लेना है 20 ml तक, हम इसको ले लेंगे विनेगर को। अब इसमें हम डालेंगे नॉर्मल पानी, इसमें हम नॉर्मल पानी डाल देंगे पूरा। ये 1 कप के अनुसार ये तैयार हो गया है। चूल्हे को बंद कर देना है, दूध बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, बस ऐसे ही होना चाहिए दूध, मतलब अब उबलने वाला है, इतना गर्म दूध है। चूल्हे को हमने बंद कर दिया, दूध को हमने चूल्हे से उतार लिया है। अब ये जो हमने पानी तैयार किया था, अब ये पानी हम डाल देंगे दूध में और इसे हमें हिला लेना है। देखिए दूध जो है फटना शुरू हो गया है, छेना और पानी अलग हो गया है। मलमल का कपड़ा हमने जाली वाली पे डलिए पे फैला लिया है। अब हम छेने को डाल देंगे इसमें, छान लेते हैं। अब जो हमें छेने को उठा लेना है, हमने नॉर्मल पानी ले लिया है, अब इसमें छेने को डाल के और साफ से अच्छे से हमें छेने को धुल लेना है। छेने को हमने साफ से अच्छे से धुल लिया है। अब हमें कपड़े को क्या करना है, ऐसे ले लेना है और इसे जो है हम आधे घंटे के लिए बांध के खूंटी पे टांग देंगे कि पानी जो है अच्छे से इसका निकल जाए। आधा घंटा हो गया था, छेने को हमने ले लिया है, अब देख सकते हैं हमें ले लेना है थाली। इस थाली में हम छेने को निकाल लेते हैं। अब जो है हमें छेने में ले लेना है आरोरूट पाउडर, हमने 1 चम्मच के अनुसार आरोरूट पाउडर ले लिया है। अब अच्छे से हमें छेने को मसलना है, पूरे 20 मिनट हम मसलेंगे क्योंकि ये 2 लीटर दूध का है, इसलिए हमें इसे 20 मिनट तक अच्छे से, जितना अच्छा हम मसलेंगे उतना ही स्पंजी जो है हमारे रसगुल्ले हम बनाएंगे वो तैयार होंगे। पहले ऐसे हम इसे जो बड़े टुकड़े हैं उन्हें ऐसे तोड़ लेते हैं, उसके बाद से हम ये गदोरी की सहायता से इसे हमें 15 मिनट तक अच्छे से ऐसे मसलते हुए हमें छेने को तैयार कर लेना है। छेने को हमने मसल के तैयार कर लिया है, अब जो है हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। 5 तरह की हम छेने की मिठाई जो है बना के तैयार करेंगे। पहले वाले को हमें क्या करना है, ऐसे इसे करके और जो है जितना छोटा बड़ा आप रसगुल्ले पसंद करते हो उसके अनुसार आप ऐसे तोड़ लिया है इसका, और इसका जो है बॉल बना लेते हैं। देखिए ऐसे हाथों में हमें करना है, ऐसे घुमाते हुए रसगुल्ले को बना के तैयार करना है। तोड़ लिया है, अब इसको जो है हम बनाएंगे चमचम, इसे हम चमचम बनाएंगे। ऐसे हाथों में गोल घुमाते हुए ऐसे हमें लंबे में कर लेना है। हम आपको पास से दिखा देते हैं, ये जो रहा दूसरा वाला। हमने 2 तरह के जो है, ये मतलब सारे बंगाली रसगुल्ले हैं और 2 तरह के हमने रसगुल्ले जो है बना लिए हैं। अब ये छोटा साइज जो है बता देते हैं हम आपको, इसको कैसे आप बनाएंगे। देखिए इसे भी हाथों में लेके ऐसे हमें इसे गोल करते जाना है, देखिए ऐसे हो गया ना। अब ऐसे ही
इन सारे को हम बना लेंगे। ये हाथों में ले लिया है, अब इसे गोल करते हुए हमें इसको बना लेना है रसमलाई। देखिए इस तरीके से आप होली पे तरह तरह की मिठाइयाँ जो हैं आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये बन गया। ऐसे ऐसे हाथों में इसे गोल करेंगे, पहले अच्छे से गोल कर लेना है, जितना अच्छा चिकना हो जाएगा उतना बेहतरीन बनेंगे। अब इसे ऐसे गोल करते हुए ऐसे हाथों में ऐसे इसे लंबा करना है और इसे ऐसे कर देना है। ये जो पांच हमने तैयार किया था इसे ऐसे तैयार कर लेंगे। अब जो है इन्हें हम बनाते हैं और पहले चाशनी को रख देते हैं। चाशनी जो है तैयार होगी, ये हमने बची हुई चाशनी यूज़ में ले रहे हैं रसगुल्ले बनाने के लिए। आप चाशनी अगर आपको बनाना है, आपके पास बची हुई चाशनी अगर नहीं है तो आप चाशनी बनाएंगे, 2 लीटर पानी ले लीजिएगा और 1 किलो चीनी डाल के आप चाशनी तैयार कर लीजिएगा रसगुल्ले बनाने के लिए। ये हमारी बची हुई चाशनी है, ये गाढ़ी हो गई है, इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे। 1 लीटर हमने पानी जोर डाल दिया इसमें। चूल्हे को ऑन कर देते हैं, चाशनी तैयार होने के लिए हम छोड़ देते हैं, इसको ढक देंगे। खुला नहीं रखना बिल्कुल, चाशनी जब हम तैयार करेंगे खुला बिल्कुल ना रखें, इसको ढक के रखना है कि भाप जो है उसमें प्रेशर अच्छे से बनाया रहेगा तो रसगुल्ले बहुत बेहतरीन बनते हैं। इसलिए रसगुल्ले बनाते समय हमेशा ढक के बनाएं। अब इसे ढक देते हैं। हमने सारे रसगुल्ले बना के तैयार कर लिया है, अब चाशनी में उबाल आ रहा है, सारे रसगुल्ले चाशनी में डाल देते हैं। रसगुल्ले को चाशनी में डाल देते हैं, सारे रसगुल्ले हम डाल देंगे और वापस से हमें इसे फिर से ढक देना है, ढक के ही हमें तैयार करना है। इसलिए फटाफट जो है सारे रसगुल्ले डाल देना है, इसमें का भाप जो है कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढकते जाना है, सारा डाल देना है। रसगुल्ले को बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं साइज में ये डबल हो गए हैं। अब इन्हें हमें हल्के हाथों से ऐसे इसे ऐसे हिलाना है, ज़्यादा तेज नहीं उसे हिलाना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। देखिए ऐसे हल्के हल्के से हमें हिला देना है, फिर से वापस इसे हम ढक देते हैं। ढक के ही इसे 20 मिनट तक हम पका के रसगुल्ले को तैयार करेंगे। रसगुल्ले को बनते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं रसगुल्ले जो है बन के तैयार हो गए हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। रसगुल्ले जो हैं ठंडा हो गए हैं। हमने 2 लीटर गाय के दूध से 5 तरह के हमने बंगाली रसगुल्ले जो है बना के तैयार कर लिया है। देखिए हमें एक कटोरा ले लेना है, इस कटोरे में हम रसगुल्ले को निकाल लेते हैं। अलग अलग कटोरे में हम जो भी 5 तरह के रसगुल्ले बनाए हैं उन्हें निकाल लेते हैं। सारे रसगुल्ले जो है हमने निकाल लिया है अलग अलग कटोरियों में, आप देख सकते हैं हमने सारे रसगुल्ले को निकाल लिया, बहुत बेहतरीन बना है। 2 लीटर दूध से हमने 2 किलो रसगुल्ले जो है बना के तैयार किया है। होली स्पेशल हमने 5 तरह के बंगाली रसगुल्ले जो है बना के तैयार कर लिया है। बची हुई चाशनी से हमने रसगुल्ले बनाए हैं, आप देख सकते हैं कलर जो है कितना प्यारा आया है बिना कलर डाले। अगर आप मतलब इसे सफ़ेद करना चाहते हैं तो उस चाशनी में आप 1 पाव, 2 लीटर चाशनी थी, 1 पाव उसमें दूध डाल देना है। दूध जब चाशनी में उबाल आने लगे तो उसमें आप 1 पाव दूध डाल दें। दूध डाल देने से ये होगा कि दूध जो है फट जाएगा और आपकी चाशनी एकदम क्लीन हो जाएगी। उसके बाद अब रसगुल्ले बनाएंगे तो आपकी रसगुल्ले जो है सफ़ेद बन के तैयार होगा। हम ऐसे भी वीडियो आपको बना के डाल देंगे, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।